बाहर निकल के आया, वो झांक के देख रहा है, तो कहता मम्मी नहीं है तेरी, मैं हूँ, चोर हूँ, मैं चोरी करके जा रहा हूँ। मैं चोर हूँ, घर पर मम्मी नहीं है, चोरी करके जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। गोहाना में करीब एक हफ्ते पहले एक चोर ने यही चैलेंज देकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गया। उस वक्त भले ही घर का सदस्य यानी कि पीड़ित चोर को नहीं रोक पाया, लेकिन पीड़ित का ये काम एक हफ्ते के अंदर गोहाना पुलिस ने कर दिखाया और चोर को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। मोहित सिंह जिसने पुराना रिकॉर्ड देखा तो इसके खिलाफ 8-9 मुकदमे पहले भी चोरी के दर्ज है, इसको गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान, इंटरोगेशन के दौरान इसने 6 वारदात कबूल की है, जिसको अब 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है और तफ्तीश जारी है, जल्दी रिकवरी की जाएगी। एक तो आरोपी ने चोरी की और ऊपर से घर के मालिक को चैलेंज देकर सीना जोड़ी। बता दे आरोपी चोर जिसका नाम मोहित है और जो गोहाना के बिचपड़ी गांव का रहने वाला है। मोहित ने न सिर्फ एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया बल्कि आसपास के इलाके में बंद घरों को निशाना बनाकर कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी अब तक जितनी भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, अब पुलिस उससे सारी वारदातों का हिसाब चुकता करेगी। आरोपी एक हफ्ते पहले भी जिस चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है, उसमें भी आरोपी ने मौके से करीब लाखों रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गया था। आंटी क्या नाम है? मेरा नाम राजबाला है। चोरी हुई घर में? हाँ जी। कौन है, कैसे पता लगा आपको? कल शाम को मैं घर से 6:27 पे निकली थी, 7:50 पे हमारे घर में किसी ने एंट्री की है, जो कि हमने कैमरे में देखा है, और उसने पहले बाहर का लॉक तोड़ा है, फिर अंदर वाला लॉक तोड़ा है। अंदर लॉक तोड़ के फिर उसने अलमारी में से पैसे निकाले और जो एक लड़के की गुल्लक थी उसमें करीब तकरीबन 1.25 लाख रुपया था, उसमें उसको निकाला और 30-40 हजार रुपये मेरे पर्स में थे। अलमारी में 3 पर्स थे, तीनों पर्सों को वो खाली करके गया। एक अंगूठी थी 11 ग्राम की तेरे अंकल की, वो भी उसने डब्बी छोड़ गया, अंगूठी निकाल के ले गया। तो अपने घर आके देखा तो किस तरह का हालात? मैं तो जब घर पे आई, ये लड़का आया था मेरे आने से पहले, ये बाहर आके ही आवाजें लगा रहा था कि इसने सोचा मम्मी अंदर है, मम्मी मम्मी करता रहा, और वो था दूसरा, इसने सोचा कि मम्मी सोई पड़ी है। जब ये बाहर निकल के आया, वो झांक के देख रहा है, तो कहता मम्मी नहीं है तेरी, मैं हूँ, चोर हूँ, मैं चोरी करके जा रहा हूँ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 3 दिनों के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आरोपी अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है, साथ ही आरोपी से उसके बाकी के साथियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से रिमांड के दौरान की जाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज 18, हरियाणा।